हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने यहाँ पे कार्टून टाइप इमेजेस स्टेटस तो देख ही लिया होगा। रील्स, इस तरीके के रील्स अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है सब जगह, इंस्टाग्राम पे वगैरह। तो इस तरीके का रील्स आप भी एडिट करना चाहते हो विंग्स के साथ में कलरफुल नियॉन, तो वीडियो को आपको कंटिन्यू लास्ट तक देखना है, ठीक है? आपको सिंपल मेथड से आपको वीडियो एडिटिंग में सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। तो मैं यहाँ से नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स का इंटरफेस अलग होगा, तो यहाँ से आपको टेक्स्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले इमेज क्रिएट टेक्स्ट मिलेगा। अगर आप लोग मेरे ओल्ड व्यूअर हो और रोजाना वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है? इस टेक्स्ट को सबसे पहले हमें कॉपी कर लेना होगा। यहाँ से कॉपी कर लेने बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, ठीक है? बैक आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको बींग इमेज क्रिएटर नाम की वेबसाइट पर जाना है, इसको सर्च कर लेना है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ऊपर में क्लिक करना, तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा डायरेक्ट, तो इसको यहाँ से ओपन करना है आपको। उसके बाद में देख सकते हो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर आप लोगों से नहीं क्रिएट होता है तो मुझे इंस्टा पे डीएम करिए या फिर कमेंट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है, वहाँ से बना सकते हो। इसके अंदर एक दिन के 15 ऑप्शन मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे 4 ही बचे हैं, ठीक है? इस टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना, वॉन्ट टू सी हाउ इमेज क्रिएट वर्क सेलेक्ट सरप्राइज मी देन क्रिएट, ठीक है? तो इस पर आपको क्लिक करके जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको यहाँ से पेस्ट करना है। पेस्ट कर लेने बाद देख सकते हो यहाँ पे जिस भी नेम से बनाना चाहते हो, बॉय या गर्ल, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने गर्ल का यहाँ पे लगा रखा, तो यहाँ पे गर्ल की जगह बॉय टाइप कर लेना। और इसके जो कपड़े होंगे वो यहाँ से आपको चेंज करना है, जैसे कि वाइट जर्सी वगैरह लिख रखा जींस, तो वो यहाँ आप लोग देख लेना यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे लड़की का नेम टाइप है, ठीक है? तो आप लोग बॉय का नेम टाइप करना चाहते हो तो उसका कर लेना, बाकी गर्ल का रखना चाहते हो तो उसका कर लेना, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से क्या करना है, देख सकते हो पिंक नियॉन लिख रखा है, यहाँ पे आपको एडिट कर लेना। जिस भी कलर में आप लोग विंग्स का कलर रखना चाहते हो, पिंक रेड येलो जो भी है, वो आपको यहाँ पे कर लेना है एडिट। उसके बाद में अगर फर्स्ट बार पे आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको ज्वाइन एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया और इमेजेस क्रिएट किए तो यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वेट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजेस बना के देगा ये, तो आपको जो भी पसंद आए उसको डाउनलोड करनी। तो देख सकते हो यहाँ पे इसने इस तरीके से क्रिएट करके दे दिए, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शानदार इमेजेस इसने बना के दिए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी पसंद आ रही वो इस इमेज पे क्लिक करना है सिंपली से। डाउनलोड करने के लिए इमेज पे होल्ड करके रखना, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी 3 डॉट पर जाके डाउनलोड डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी इमेजेस नहीं पसंद आ रही तो फिर से क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना, नेक्स्ट जो भी है वो बना के देगा आपको और अलग तरीके से बना के देगा। फिर आपको जो भी पसंद आए वो आपको सिंपली से डाउनलोड करनी, उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्काई वीपीएन। तो वीपीएन से सबसे पहले आप लोग कनेक्ट कर लेना फ़ोन को, क्योंकि कैपकट बिना वीपीएन के वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से पिन कर रखी है मैंने, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करना, देन 9:16 का रेशियो और बाकी सब सेटिंग देख सकते हो, क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। अभी हमने जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड की उसको प्लस के आइकन पे जाना, मीडिया पे जाना, और वो इमेज आपको सिंपली से यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, डाउनलोड कर लिए सॉरी। उसके बाद 3 डॉट पर जाना, फिल कंपोजिशन कर देना, प्लस के आइकन पर जाना और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर देना। डुप्लीकेट लेयर पर जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना, जूम के ऑप्शन पर जाना, इसकी साइज़ कम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाली इमेज पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से इसको ऊपर भी कर सकते हो आप लोग, अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपने देखा होगा बैक इमेज ब्लर होती है, तो उसको ब्लर करने के लिए इस पर क्लिक कर देना, इफेक्ट में चले जाना, एड इफेक्ट में चले जाना, आपको ब्लर के अंदर मिलेगा गॉसियन ब्लर, ये वाला इफेक्ट लेना है, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, 0.70 या 75 के अप्रोक्स जितना आपको ब्लर चाहिए वो देख लेना। उसके बाद में इसमें बॉर्डर एंड शैडो लगाना चाहते हो तो ऊपर वाली इमेज पे क्लिक करना, इस ऑप्शन पे जाना, यहाँ से स्ट्रोक इनेबल कर सकते हो अलग अलग कलर में, वाइट या ब्लैक जो भी है। तो मैं फिलहाल यहाँ से ब्लैक ही रखता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको इसको सेट करना जैसे आपने प्रीव्यू में देखा। उसके बाद ऊपर एरो पे टैप करना और यहाँ से करेक्ट फ्रेम एस पीएनजी, देन एक्सपोर्ट।
तो यहाँ से ये इमेज की फ्रेम में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव के ऑप्शन पर जाकर सेव करना, फिर बैक आना है। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैपकट टेम्पलेट की तो उसके ऊपर में क्लिक करना है, या फिर ब्राउजर पर जाके हील इन साइलेंट कैपकट टेम्पलेट आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर यूज टेम्पलेट इन कैपकट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना सिंपली से, तो कैपकट के अंदर ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, वेल सो देख सकते हो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है सिंपली से, फोटोज़ के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो इमेज आप लोग क्रिएट करोगे उस इमेज पे सिंपली से क्लिक कर देना और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना है। लोडिंग इफेक्ट होगा, इसको होने देना है, देन इसको फुल प्ले होने देना है एक बार। वेल गाइस सो इतना हो चुका है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे टैप करना है, यहाँ से क्वालिटी आपका मोबाइल जितना सपोर्ट करता है उस हिसाब से लेनी है आपको। डन पे क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर ट्रेंडिंग ऑडियो जो भी चलेगा वो आप लोग इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वैसे मैं एक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। बाकी इसमें अगर आप लोग जो भी ट्रेंडिंग में चलेगा वो सॉन्ग ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा संचय से एक वीडियो वायरल हो सकता है। बाकी कोई भी अदर सॉन्ग यूज कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं इतना, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐड कर लेना लाइट मोशन के अंदर जाके। सो यहाँ से फाइनली अपना वीडियो बन जाता है। इस वीडियो की एडिटिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पहली बार चैनल देखा है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे नए वीडियो की एडिटिंग के साथ में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।